नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च सोमवार को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। खबरें चली कि पीछे बीजेपी की बैकिंग, ऐसा खबरों में लिखा। लोग सुगबुगाहट में ऐसे कयास भी लगा रहे थे। अब गोगोई को राज्यसभा सीट दिए जाने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को खूब घेरा। न्यायपालिका के लोगों ने भी अपनी राय बताई। तमाम लोग, तमाम बातें। सबसे तीखा बयान गोगोई पर आया मार्कंडे काटजू का। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं मार्कंडे काटजू। जब सुप्रीम कोर्ट में थे तो अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे, रिटायर हो गए तो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब जस्टिस काटजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं 20 साल तक वकील और 20 साल तक जज रहा हूं। मैंने कई अच्छे जजों और कई बुरे जजों को जाना, लेकिन मैं भारतीय न्यायपालिका में किसी भी न्यायाधीश को इस यौन विकृत रंजन गोगोई जितना बेशर्म और अपमानजनक नहीं मानता। शायद ही कोई दोष है जो इस आदमी में नहीं है। ये सामने ट्वीट है मार्कंडे काटजू का, जो सुमित ने, हमारे साथी ने, जिन्होंने स्टोरी की है, उन्होंने एम्बेड भी किया है। आई हैव बीन अ लॉयर फॉर 20 ईयर्स, मैं वही बात अंग्रेजी में दोहरा रहा हूँ, एंड अ जज फॉर अनदर 20। I have known so many good judges and many bad judges, but I have never known any judge in the Indian judiciary as a shameless and disgraceful as this sexual pervert, Ranjan Gogoi, yon vikrit, jiska hamare saathi ne anuvad kiya. There was hardly any vice which was not in this man. Kaju Twitter se alawa Facebook par bhi hain, to Facebook par bhi gaye. Facebook par baat likhte hue unhone ek baat aur jod di, kaha कि अब ये दुष्ट और धूर्त भारतीय संसद की शोभा बढ़ाएगा। हरिओम, हरिओम लगभग लगभग अपनी हर बात के आखिर में काटजू लिखते हैं। ये उनका फेसबुक पोस्ट है और ये लाइन जो हमारे साथ कि एंड नाउ दिस रोग गोज टू अर्जन पार्लियामेंट, इन्होंने ऐसा लिखा है। जो शब्द लिखे हैं हम उन्हें दोहरा नहीं सकते हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं काटजू? 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के बाद काटजू 3 हाई कोर्ट्स के जज बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2004, मद्रास हाई कोर्ट में भी 2004 और दिल्ली हाई कोर्ट में 2005 इन 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बने। 2006 से 11 तक काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। अपने एक बयान में काटजू ने भारत के 90% लोगों को बेवकूफ बताया था। उन्होंने कहा कि भारत में लोग जाति के आधार पर चुनाव करते हैं, चुनाव में वोट देते हैं। उन्होंने फूलन देवी का उदाहरण देकर बताया कि एक समय की क्या डाकू रही फूलन भी चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाती हैं। काटजू मीडिया की भी गाहे बगाहे घोर आलोचना करते हैं। भारतीय कानून को 20 साल तक सेवा देने वाले काटजू का परिवार भी काफ़ी ख्याति प्राप्त है। उनके पिता एसएन काटजू इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। काटजू के दादाजी कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में काटजू एक सप्ताह में 100 से ज़्यादा मामलों को निपटाने के लिए मशहूर थे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, ललन टॉप ऐप डाउनलोड कीजिए। सारे वीडियो, किस्से, कहानियाँ, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुँच जाएगा। कैमरे के पीछे रूहानी है, ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।